नमस्कार, मैं हेमराज सेन और आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ग्राम पंचायत चाठा अंतर्गत आने वाले गांव चोरखेड़ी में मां जगदम्बा वेयर हाउस संचालक द्वारा 272 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण करने के संबंध में पंचायत द्वारा 8 माह पूर्व आपत्ति को लेकर दावा किया गया था। विभागीय तौर पर जांच दल गठित कर जांच की गई। जांच दल द्वारा उक्त रकबे की जांच कर रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के आधार पर शासकीय भूमि पर कब्जा पाया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए मां जगदम्बे वेयर हाउस संचालक कमला देवी पति सूरज सिंह चौरसिया निवासी बोड़ा को 5,000 का जुर्माने के साथ 3 दिवस के भीतर उक्त भूमि से अवैध निर्माण हटाने को लेकर न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था। न्यायालय के आदेश की अवहेलना के साथ ही आज दिनांक तक संबंधित वेयर हाउस संचालक द्वारा शासकीय भूमि से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर ग्राम पंचायत सरपंच लखन रोहेला द्वारा आपत्ति लेते हुए बताया कि अगर स्थानीय प्रशासन शासकीय भूमि से अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त नहीं कराई गई, तो ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर से शासकीय भूमि को लेकर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करेंगे। आवेदन भी दिया, उनको आपत्ति दर्ज करवाई और उसको तोड़ने का वो ऑर्डर भी हो चुका है। कितने महीने पहले आपने आपत्ति दर्ज करवाई थी? 7 महीने पहले। उसके बाद क्या आदेश आया था? उसके बाद में आदेश आया था, आदेश 7 महीने में टूटने का आदेश हो गया उसका। अच्छा, वो कुछ जुर्माना वगैरह लगा? जुर्माना लगा उसका 5,000 रुपये। आदेश किसने दिया था तोड़ने का? तहसीलदार साहब। अच्छा, तो क्या वो अवैध था? अवैध था, अवैध जगह बना हुआ था। कितने वर्ग फुट पर अवैध निर्माण? तो 90 में 272 फीट दीवार टूटने की है। इस पर पटवारी जांच प्रतिवेदन सब हो गया था। सब तो अभी तक निर्माण तोड़ा नहीं है? अभी तक निर्माण नहीं तोड़ा है ना, तहसीलदार साहब कोई सुन रहे सुनवाई कर रहा है। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? कलेक्टर साहब को देते हैं आवेदन, तोड़वाया जाए उसको। वो स्कूल की जगह है, हमारे पास में स्कूल की जगह है नहीं। कलेक्टर साहब को आवेदन करते हैं, स्कूल के लिए हमने करा था। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।